हाय एवरीवन, दिस इज बोनस और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि हम ट्रेंड के हिसाब से प्लेटिंग कैसे सीखें, राइट? और जो भी टॉप टॉप शेफ्स के जो डिशेस हैं उन चीज़ों को हम कैसे फॉलो करें। देखो, ऐसा है कि ना, आप जितना भी पढ़ाई कर लो, प्लेटिंग, टॉप टॉप शेफ के डिश, ठीक है, और ट्रेंड के हिसाब से चलना, वो चीज़ें दिक्कत जाता है हमें संभालने के लिए। देखो, नॉलेज हमारे पास है, बट इन चीज़ों को यूज़ कैसे करा जाए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैं आपको यहाँ पे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और जो मैंने ऐसा है कि ना, आप जब रीड करते हैं ना बहुत सारे बुक्स, तो धीरे धीरे आपके माइंड में चीज़ें आने लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ जो पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और वो आपके लिए काम आए। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम चीज़ों को फॉलो करें और हम उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक का देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने जो भी चीज़ें ऐड किया हुआ है, जैसे कि आपको काफ़ी सारे चीज़ें मतलब एक आपके लिए रास्ता खुल जाएगा समझने के लिए कि हाँ, मैं इन चीज़ों को फॉलो करूंगा, इस वे में करूंगा, तो मैं ज़रूर एक टाइम मतलब होटल मैनेजमेंट ख़त्म करते हुए तक का, मतलब जो ज्वाइन किए हुए हैं अभी या फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में, ज्वाइन ख़त्म करने तक का वो काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन जीत चुका होगा, एज वेल एज उसे काफ़ी नॉलेज हो चुका होगा। और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था जो बुक्स को लेके, वो बुक्स का वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि वहाँ पे मैंने हर एक बुक का चीज़ें मैंने शेयर किया हुआ है। वहाँ पे मैं हर एक क्यूजीन का और हर एक डिपार्टमेंट का बुक शेयर किया हुआ, जैसे कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा नॉलेज लेने में। और हर एक बुक एक्चुअली इट्स मोर देन थाउजेंड पेजेस। सो उन चीज़ों का उस बुक को फॉलो कीजिएगा, उससे नॉलेज बढ़ेगा। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप टेक्निक को हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सी, यहाँ पे जो अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ, ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फॉलो करता हूँ चीज़ों को, कि पहले तो आप अपने शेफ को चुनिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे गॉर्डन रामसे बहुत पसंद है और उनका जो वर्क है मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और मार्को पियर वाइट, दोनों को बहुत फॉलो करता हूँ मैं, और उनका जो कुकिंग स्टाइल है, और खासकर जो मार्को पियर वाइट का जो कुकिंग का स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उनके बुक्स लेता हूँ, ठीक है, उनका बुक्स लेता हूँ, उनके रेसिपीज लेता हूँ, और उन्हें समझता हूँ मैं कि वो किस वे में हर एक चीज़ को कैसे डील कर रहे हैं, मीन्स हर एक इंग्रेडिएंट का मैक्सिमम फ्लेवर पाने के लिए, उनका परफेक्ट मिशलिन स्टार डिश बनाने के लिए वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं और किस वे में उसको कुक कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि ना, कुकिंग जो टेक्निक्स है बहुत सारे हैं, रोस्टिंग, ब्रेजिंग, बॉइलिंग, ग्रिलिंग, सब चीज़ है, स्टीमिंग, बहुत टाइप के हैं, राइट? बट मैक्सिमम फ्लेवर निकालने के लिए एक वेजिटेबल का या मीट का हुआ, उसके टेंडर रखने के लिए क्या चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं वो, उनके बुक्स लो, उनको पढ़ो, रेसिपीज को पढ़ो कि उन्होंने क्या क्या मेथड यूज़ किया हुआ है। आपको पता है कुकिंग मेथड, उससे कुछ नहीं होने वाला, आप सिर्फ समझ रहे हो लेकिन उसको आप यूज़ में नहीं ला रहे हो। जो शेफ ने बनाया हुआ है, उनका जो रेसिपी बुक्स में उन्होंने प्लेटिंग भी किया हुआ है, ठीक है, उनको फॉलो करो। देखो, ऐसा है कि उनको फॉलो करोगे ना, तो एक तो आपका हाथ बैठेगा उसमें, ठीक है, प्रैक्टिस आएगा आपका, आप उनके जैसे सोचना चालू करोगे, उनके जैसे सोचना चालू करोगे तब चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखो, ऐसा है कि ना, मेरे को एक शेफ ने बोला हुआ था, जब मैं यूएस में था वहाँ पे एक शेफ ने मुझे बताया हुआ था कि बोनस, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी अ ग्रेट शेफ एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू बी अ लाइक इन अ शॉर्टर टाइम यू वॉन्ट टू बी एग्जीक्यूटिव शेफ, देन यू हैव टू थिंक लाइक एग्जीक्यूटिव शेफ, यू कैन नॉट फील लाइक दैट यू आर अ कुक, डोंट थिंक लाइक दैट। What you want to be, it depends your mindset. Mindset is very important. आप जैसे बनना चाहते हो वैसा mindset करोगे तो आप बन पाओगे। So, top professional chefs के, मतलब जिसको तुम follow करते हो, right? जो आपको पसंद है, उनके books का recipe लेके आओ, उनको पढ़ो, किस चीज़ों को वो किस way में वो cook कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा cooking method वो use कर रहे हैं, उन चीज़ों को tender रखने के लिए या soft रखने के लिए। मिशलिन स्टार जो है, काफ़ी लोग हैं जो पूछते हैं मिशलिन स्टार वगैरह क्या होता है। मिशलिन स्टार मतलब एक नॉर्मल डिश को एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वे में सर्व करना, जो कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो मैंने फॉलो किया हुआ है एल बुली, ठीक है, शेफ आंद्रेया एल बुली, उनका रेस्टोरेंट था स्पेन में, और गगन आनंद, ठीक है, और ये जो शेफ है ना, ये काफ़ी यूनिक सोचते हैं, यू नो, लाइक उनका जो थिंकिंग है वो काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हुआ? उनका बुक रीडिंग से उन्होंने एक्चुअली वर्क किया, काफ़ी वर्क किया कि ये चीज़ें हैं क्या। जैसे कि मैंने एल बुली से सीखा, लाइक जो गैस्ट्रोनॉमी वगैरह है या फिर जो साइंस है वो एल बुली रेस्टोरेंट में मैंने देखा हुआ है पूरी तरह। जैसे कि वो अपना साइंस पूरा खाने में लगा देते हैं कि हाँ, इसे हम ऐसे स्पीयर बना सकते हैं, इस वे में हम योगर्ट स्पीयर बना सकते हैं,
ऑलिव स्पीयर बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे टाइप के बुक पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया आने लगेंगे कि हाँ इस वे में भी बन सकते हैं, आपका नॉलेज बढ़ेगा एक्चुअली, ठीक है। सो उससे क्या होता है कि आपका थिंकिंग चेंज होगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, बुक्स पढ़ो। जो मैंने बुक्स ऑलरेडी शेयर कर चुका है वो सब रेसिपीज का नहीं, वो टेक्निक्स का है। वो बुक को पढ़ते हुए यदि आप रेसिपीज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप समझ पाओगे कि कुकिंग मेथड कैसे क्या कैसे यूज में लाना है उसे। उस चीज को जब लाओगे ना तो आप उन चीजों को समझोगे, आप फील करोगे कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है। और उनका जो प्लेटिंग है उनको कॉपी करना स्टार्ट करो, पहले एक बार पहले कॉपी करो, बनाओ उनका एक लेवल तक का, वो चीज अचीव करो। उससे आपको क्या होता है कि यू विल फील बेटर कि मैंने एटलीस्ट वो जो प्लेटिंग है वो मैंने कर पाया यहाँ पे, ठीक है। कोई भी एक बुक लो, अंडरस्टैंड द रेसिपी, उसके बाद आप उसका जो प्लेटिंग है उस प्लेटिंग को आप कॉपी करो। सी दिस इज नॉट एक्चुअली कॉपी, दिस इज कॉल्ड लर्निंग। आप उस प्लेटिंग को सीखोगे तो आपका वो आइडिया आते जाएगा धीरे धीरे। आप सोच लो यदि इसी वे में आपने 50 प्लेटिंग कर दिया तो आप समझ लो कि आपको कितने सारे वो डिजाइन वो सब प्लेटिंग कितने सारे चीजें आपको आ चुका होगा। सोचो यदि 50 प्लेटिंग भी आपने कर लिया तो कितना ज्यादा आपका नॉलेज आ चुका होगा, राइट। और उसी वे में कुकिंग मेथड हर एक चीज का नॉलेज आपका जल्दी जल्दी गेन होगा। ये एक्चुअली बता रहा हूँ टेक्निक है कि आप किस वे में ये टॉप प्रोफेशनल शेफ्स का रेसिपी कॉपी करके आप बना सकते हो, क्योंकि इससे बनाना मीन्स उन चीज़ों को फील करना। क्योंकि जब एक टॉप शेफ बनाता है ना वो काफ़ी सारे अपना फीलिंग्स अपना वर्क अपना एक्सपीरियंस सब चीज़ ला के वहाँ पे बनाता है, जैसे कि वो उस चीज़ों को फील करते हुए बना रहा है, राइट। सो उसी वे में जब आप उसको कॉपी करोगे, जब आप बनाओगे तो यू विल फील लाइक दैट कि हाँ मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ जो वो शेफ ने समझ के इस रेसिपी को बनाया हुआ है, ठीक है। देखो हर चीज़ को फील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू मेक इट, व्हाटएवर यू मेकिंग फील इट, लाइक उसके डेप्थ तक जाओ, उन चीज़ों को खींच के लेके आओ और उसे समझो कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ। सो 50 प्लेटिंग यदि आप सीख जाओगे तो आप समझ लो कि कितने सारे प्लेटिंग आपको आ चुका होगा, और वो भी कितने टाइप के अलग अलग स्टाइल में, राइट। सो आप सोचो आप अपना क्रिएटिविटी उससे कर सकते हो। देखो ऐसा है कि ना बोलते हैं ना कि 10 बुद्धिमान के साथ बैठने से 11वां जो रहेगा वो भी बुद्धिमान बन जाएगा, सुने होगे राइट, कि 10 लोग बुद्धिमान है एक बेवकूफ है, वो बैठा इनके साथ वो भी बुद्धिमान बन गया एक टाइम के बाद। कैसे बनता है? यही टेक्निक है एक्चुअली। आप यदि टॉप टॉप शेफ्स को प्रोफेशनल शेफ्स के डिशेस को कॉपी करते जाओगे समझते जाओगे धीरे धीरे तो आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगा। जहां पे वो शेफ ने वो डिश बना के स्टॉप किया हुआ है आप वहां से थिंकिंग स्टार्ट करोगे कि आई थिंक शेफ ये भूल गए, आई थिंक सो ये डालने से भी अच्छा होता। ये आपका थिंकिंग डिवेलप करेगा, बहुत ज्यादा काम करने लगेगा। और इन्हीं चीज़ों से क्या होता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है कुकिंग को लेके, जो टेक्निक्स को लेके, वो अब बढ़ेगा। हो सकता है कि आपका कोई एक सिग्नेचर डिश बन जाए और बहुत फेमस हो जाए बाद में जाके। अपने आप को अपडेट रखने के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, पहले तो आप टॉप शेफ्स के बुक को फॉलो करो, उनके रेसिपीज फॉलो करो, बनाओ और उन चीज़ों को बनाते हुए प्लेटिंग करो एग्जैक्टली जैसे वो बना रहे। उस प्लेटिंग देखने के बाद आप सोचो कि इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ मैं, और क्या अच्छा लगेगा, किस वे में बनाऊं मैं इसे। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ लिटरली, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यदि प्रोसेस समझ गए ना हर एक चीज का कुकिंग करने का, नोबडी कैन बीट यू यार, सीरियसली बता रहा हूँ। इन चीज़ों का ना कोई बता नहीं रहा है पता है, क्योंकि ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट है कि सब बोलते हैं कि पढ़ लेंगे। कितना पढ़ोगे? जितना पढ़ना है आप पढ़ रहे हो, आप दे रहे हो बेस्ट, उसे काम पे कैसे लगाओगे वो मैटर करता है। क्योंकि इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि हर कलिनरी वाला मरता है कि मैं कहीं पे एक अच्छे जगह में काम करूं, क्यों? क्योंकि उनका टेक्निक सीख पाऊं, उनका उनका थिंकिंग को मैं सोच उन चीज उनका उनका थिंकिंग को मैं ले पाऊं, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है चीजों को समझने का वो चीजें मेरे में आ जाएगा तो मैं सीख जाऊंगा, क्यों? यही आपका बस हल थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। यदि आप चाहोगे एक अच्छा से सीखना, आप जगह क्यों ढूंढते हो कि मुझे यही काम करना है, ये मिशलिन स्टार में ही काम करना है, इस वे में काम करना है, क्यों? क्योंकि आपको चाहिए, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि उनका सीक्रेट क्या है, उनका रेसिपी क्या है, कैसे बनाते हैं, प्रोसेस क्या है, क्या है क्या नहीं है। उनके बुक्स में लिखा रहता है पूरा प्रोसेस, ये कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ लिटरली। मैं चाहता हूँ कि कलिनरी को मैं मोटिवेट करूँ यार। कितने लोग हैं जो बहुत डाउन फील करते हैं कि यार मैंने गलत किया शायद होटल मैनेजमेंट करके। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड है, सबने छोड़ दिया होटल मैनेजमेंट, मैं अकेला हूँ जो अभी तक टिका हुआ हूँ इस होटल इंडस्ट्री में लिटरली। मैं बोला मैंने शौक से लिया हुआ था, मेरा पैशन है, मैं नहीं छोड़ सकता इन चीज़ों को। भले ही मैं लोगों को मोटिवेट करूँगा कि यार छोड़ो मत, लोगों का हेल्प करना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। इसलिए मैं इन वीडियो को अपना एक्सपीरियंस को शेयर करूँ जैसे कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सको अपने लाइफ में और वो चीज़ अचीव कर सको जो आप चाहते हो।
आप यदि कोर्स कर रहे हो तो कुछ अचीव करने के लिए कर रहे हो, राइट, नॉट फॉर द डिग्री कि हाँ मेरा बैचलर डिग्री हो गया, मैं एमबीए करूंगा फिर कोर्स चेंज हो जाएगा ना. आई वॉन्ट टू मोटिवेट एवरी सिंगल पर्सन जो अपने आप को लो फील करते हैं कि मैंने इसको लिया क्यों, क्या किया, और जो लोग लिटरली वॉन्ट टू बी समबडी आफ्टर वन टाइम, उन्हें उनको मैं रास्ता दिखाऊं और उनको बूस्टअप करूं मैं. ठीक है, तो पहला चीज मैं बोलूंगा कि शेफ्स का, आप शेफ्स ढूंढो पहले, आपको कौन पसंद है, उनका काम पसंद है कि नहीं पसंद है वो भी देखो, उन रेसिपीज के बुक्स लेके आओ, टॉप टॉप रेसिपीज. ठीक है, थोड़े महंगे रहेंगे बुक, बट इन्वेस्टिंग यही करना अपना, बाकी सारे जितने भी अपने बाकी सारे जितने भी शौक है ना उसको हटा दो, जहां पे इन्वेस्ट करना वहां पे ध्यान दो, बुक्स पे इन्वेस्ट करो, लेके आओ उन चीजों को, जो इंग्रेडिएंट्स है उसको लेके आओ, जो इक्विपमेंट्स लग रहे हैं उसको लेके आओ, खरीदो, बनाना स्टार्ट करो. यदि आपका आसपास कहीं कॉलेजेस में कहीं कॉम्पिटिशन हो रहा है तो उसको बनाओ, उस प्लेटिंग को थोड़ा चेंज करो, डिजाइन करो और वो चीज उनको सर्व करो. लेट पीपल नो हु आर यू, लेट देम नो दैट व्हाट इज योर कैपेबिलिटी, तुम्हारे में कितना पावर है कि तुम कितना सोच सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो कम उम्र में. आप समझ रहे हो, इसलिए जो भी हैं जो कम उम्र में बहुत ज्यादा जल्दी सक्सेस पा लेते हैं, ये तो टेक्निक है, ये एक बहुत बड़ा टेक्निक है, बता रहा हूँ, मतलब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हर एक चीज में. ये वे जिसने भी एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स ये वे जो रास्ता दिखा रहा हूं मैं आपको, जब आप इसको इम्प्लीमेंट में ले आए ना, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता. आप खुद सोचेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो फैक्ट है कि नहीं है. देखो मैं एक्सपीरियंस पे काम करता हूँ, मैं अपने सोच पे काम करता हूँ, मैं लोगों का सुन के काम नहीं करता हूँ. मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दिमाग में आ रहा है और लोगों को हेल्प कर सकता है, तो आई विल शेयर दैट वन ओनली टू यू, राइट. सो बुक खरीदना स्टार्ट करो, रेसिपीज सीखो, मैगजीन्स लो, फूड मैगजीन्स लो. ठीक है, वहां पे नया नया रेसिपीज, कौन क्या सीख रहा है, कौन क्या बना रहा है, कौन क्या नया नया चीजें मार्केट में आ रहा है, उसको पकड़ के ट्रेंड को रखो. ठीक है, ट्रेंड आपका मैगजीन से आएगा, फूड मैगजीन्स वगैरह जाके खरीदो. डे टू डे बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं आपके फूड को लेके, उन चीजों को लो. फूड राइटर्स लोग को फॉलो करो कि वो क्या देख रहे हैं आजकल के क्यूजिन में चेंजेस, क्या चीजें वो सीख रहे हैं. अप टू डेट रहो यार, जैसे आप कलिनरी में हो तो कलिनरी में अपडेट रहने के लिए क्या कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट नहीं है ऐसा. जब मैं कॉलेज में था मैंने अपना शेफ का दिमाग बहुत खाया हुआ है, लिटरली ये पूछे कि सर कोई तो वेबसाइट बता दो, कुछ कुछ तो पता चले मुझे, कलिनरी में क्या चल रहा है, आज क्या चल रहा है, कल क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें नया आने वाला है, क्या मार्केट देख रहा है, इतने सारे चीजें आ रहे हैं कहां से पता करूं, इतने सारे चीजें जो चेंजेस हो रहा है लाइफ टू लाइफ, डे टू डे जो चीजें चेंजेस हो रहा है, मैं कहां से उन चीजों को रख सकूं. फिर मैंने सोचा, मैं बोला ठीक है, आई नो दैट, काफी सारे शेफ से बात हुआ, हर एक शेफ से पूछा मैंने, हर एक इंटर्नशिप में भी शेफ्स को पूछा मैंने कि शेफ बता दो प्लीज कहां पे मैं समझ सकता हूं इन चीजों को. देखो आपको यदि क्यूरियोसिटी रहेगा ना कुछ चीजें स्क्वीज करके निकालने में, तो आप निकाल लोगे कहीं से भी, टाइम लगेगा. सी पेशेंस इज द की, मैं बता रहा हूं आपको यहां पे एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने देखा हुआ, पेशेंस इज द की. हैव पेशेंस देन यू विल गेट सक्सेस, इफ यू डोंट हैव अ पेशेंस यू कैन नॉट सक्सेस. आई एम टेलिंग यू, हर एक चीज में टाइम लगता है, तो मुझे टाइम लगा सब समझने में कि अरे यार ये सब क्या है. देखो टाइम लगा समझा, इसलिए तो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ आज, जैसे कि आपको भी ये चीजें काम आएगा, राइट. सो मैगजीन्स लो, मैगजीन से अप टू डेट रहो कि कलिनरी में क्या चल रहा है आजकल, क्योंकि मैगजीन में जो फूड राइटर्स है और फूड ऑथर्स है जो अपना विचार लिखते हैं उसमें, राइट, अपने मतलब जो भी चीजें वो एक्सप्रेस करते हैं वो चीजें आपको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो फूड से इतना टची होते हैं ना, जो राइटर्स लिखते हैं वो काफी ज्यादा समझते हैं फूड को, उन चीजों को, फीलिंग्स को वो लिखते हैं अपने फूड के बारे में, राइट, कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या चेंजेस हो रहा है, हर एक चीज वहां पे लिखते हैं वो, उनको फॉलो करो. पिंट्रेस्ट एक ऐप है, वहां फॉलो करो, वहां पे आपको हजारों टाइप के मतलब प्लेटिंग्स मिल जाएंगे, आपको हजारों टाइप के प्लेटिंग्स मिल जाएंगे, मतलब ऐसा है कि कभी देखा भी नहीं होगा कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसा प्लेटिंग्स भी होता है, इतने सारे प्लेटिंग्स है कि आप लिटरली सोच रहे हो कि यार इतने सारे प्लेटिंग्स, लिटरली ऐसा प्लेटिंग्स भी होता है, यू विल गेट मैड जब आप देखोगे उन चीजों को ना पिंट्रेस्ट में, जो प्लेटिंग डिजाइंस वगैरह, आप पागल हो जाओगे. यदि आपको लग रहा है कि रेसिपीज मिल रहा है मुझे, इमेजेस ठीक से नहीं मिल रहे, आप गूगल ही कर लो प्लेटिंग, उसमें लिख दो, गूगल में उतना खास प्लेटिंग आपको नहीं मिलेगा, बट पिंट्रेस्ट में जाइएगा, पिंट्रेस्ट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यार, इंस्टाग्राम में चले जाइए, हर एक सोशल मीडिया में आपको प्लेटिंग्स टॉप टू टॉप मिलेगा. अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स को फॉलो करो, उसको समझो, उनका प्लेटिंग्स को देखो, अपने में स्टार्ट करो बनाना उसे, दिस विल मोटिवेट यू. जब आप बना लोगे ना उस चीज को, उसके बाद आप क्या फील करते हो वो मुझे कमेंट में देना, क्योंकि पता है लाइक जब बना लेते हो ना, जो खुशी हमें मिलता है राइट बनाने के बाद कि हाँ मैंने सक्सेस, मतलब मैंने सक्सेस पाया, मैंने ऐसा प्लेटिंग कर पाया, वो होता है इंपॉर्टेंट. सो दिस इज नॉट अबाउट कॉपी, दिस इज अबाउट लर्निंग. वी आर नॉट कॉपिंग इट, वी आर लर्निंग द टेक्निक्स, द प्लेटिंग.
हर एक बुक से आप जब पढ़ते हो उसको करते हो, उसको कॉपी तो नहीं बोला जाता ना, उसको लर्निंग बोला जाता है। तो वाई नॉट उनका रेसिपी हम पढ़ के हम उसे लर्न करें, उसके बाद हम धीरे धीरे अपना खुद का बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि आपको इतने सारे चीज़ें आपको आइडिया हो जाएगा कि आप खुद सोचोगे कि इतने कम टाइम में इतना सारे चीज़ें सीख गया। सीरियसली इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना ये सब चीज़ें। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप लाइब्रेरी जाइए अपना, ठीक है, अपने कॉलेज में आपका लाइब्रेरी में जाइए। लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे टाइप के बुक्स मिलेंगे, जो बुक अच्छा लगे आप कम से कम आधा घंटा एक घंटा शांति से बैठ के पढ़ लो, वहाँ पे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। आप लिटरली लाइक आपका हर एक दिन इतने सारे नॉलेज आपके एडअप होते जाएंगे ना, एक दिन के बाद आप खुद समझोगे कि यार मेरे पास कितने नॉलेज है। ऊपर से फिर रेस्टोरेंट्स का बुक पढ़ के आप उसका डिशेस बना रहे हो, तो सोचो जहां पढ़े हो शायद वो कुछ काम आ जाएगा और आपका प्लेटिंग में चेंज हो जाएगा, आपका डिशेस कुछ चेंज हो सकता है। बहुत सारे चीजें आप चेंज कर सकते हो खुद से। किसी किसी का होता है, देखो ऐसा है कि हर एक शेफ का एक लिमिट तक का होता है सोचने का, एक चीज सोचने के बाद वहीं पे स्टॉप होके वो अपना फिनिशिंग कर देते हैं। बट जो अभी जो नया नया जो से चीजें आ रहे हैं, राइट, जो नया नया चीजें जो अभी आ रहे हैं, सोच लीजिए उसमें यदि आपको लगा कि यार इसमें थोड़ा सा इस वे में इस उमामी का इस फ्लेवर का ऐसा करने से और अच्छा टेस्ट आएगा या अच्छा लगेगा, आपका जो सोच है वो एक प्रकार का आपका एग्जीक्यूटिव शेफ तक का होना चाहिए, तभी आप उन चीजों को समझ पाओगे। सी ये जो चीजें हम बनाएंगे ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये कुछ ऑर्डिनरी चीजें नहीं है, तो आपको काफी फोकस देना है इस पे, राइट, काम करना है बहुत ज्यादा उस पे। कॉपी करने के बाद और क्या बना सकते हो अच्छे से, और इसी इसी लुक में और क्या चीजें आप चेंज कर सकते हो, वो आपको फोकस रखना है, राइट। ये चीजें ना आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बस आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखिएगा। आई होप कि मैं जो बोलना चाहता हूँ, जो फीलिंग्स मेरे में है, जो मैं चाहता हूँ कि आपके पास आप तक का मैं डिलीवर कर पाऊँ, जो चीजों को मैं फील कर रहा हूँ, यदि वो चीज आप तक का पहुंच जाए, यदि ये वीडियो आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ मैं फील कर सकता हूँ सर आपका बात जो भी बोल रहे हो आप, तो वो मैं समझ सकता हूँ कि आपका प्रॉपर इंप्लीमेंट होगा। सो जब भी आप कुछ कर रहे हैं थिंक दैट कि आई एम एग्जीक्यूटिव शेफ, मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है। पढ़ते हुए, बिना पढ़ते हुए मत सोचना कभी भी, हाँ वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, उसे ओवर कॉन्फिडेंस ही बोलते हैं। पढ़ते हुए, नॉलेज गेन करते हुए, चीजों पे काम करना, उसको बोलते हैं हम राइट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। देखो ऐसा है कि ना, एक जो बुक होता है ना, ये उसका थॉट है, उसका एक्सप्रेशन है जिस वे में वो सोच रहा है, ठीक है। एक शेफ जो है वो कैसा उनका सोच है, कैसा उनका थॉट्स है, राइट, उनका स्किल्स क्या है, और वो अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं उसमें। यदि वो चीज़ें हमें मिल गया ना, आई थिंक सो वही आपका मेन बाइबल है, आपका कलिनरी का बाइबल वही तो है आपका मेन, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ सिखा देगा, ठीक है। तो मिशलिन स्टार शेफ्स को फॉलो करना स्टार्ट करो इंस्टाग्राम में, उनका काम देखो, उनका प्लेटिंग्स देखो, हर एक वो चीज़ को देखो जो आपको इन्फ्लुएंस करे उन चीज़ों को और बढ़ाने में। देखो डिप्रेस कभी मत होना, बता रहा हूँ, हर एक चीज़ का एक रास्ता है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं फील किया था एक टाइम का, मैंने भी फील किया था कि यार हाँ काफ़ी टफ है यार ये सब चीज़ें, कितना पढ़ लूंगा मैं, जितना बुक पढ़ू कम है। लेकिन एक टाइम के बाद शेफ ऐसा तो नहीं है ना, जो कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है, ऐसी जरूरत तो नहीं है ना कि वो इटालियन भी बना रहा है, फ्रेंच भी बना रहा है, इंडियन भी बना रहा है, जापनीज बना रहा है, चाइनीज बना रहा है, फिलिपिन बना रहा है, अमेरिकन बना रहा है, यूके बना रहा है, यूरोप सब चीज़ बना रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। वो एक चीज़ पर ही फोकस करके काम करते हैं। तो मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि आप उसी चीज़ों में फोकस रहो, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा डिवेलप करने में। सो इतना फैलो मत, फैलोगे तो चीज़ें खराब हो सकता है। आपको यदि जापनीज अच्छा लगता है तो जापनीज से फोकस करो, उसका टेक्निक्स लो, उसको आप इंडियन में डाल के उसको बनाओ, कुछ भी हो सकता है। बस पहले इस प्रैक्टिस को आप फॉलो करो, धीरे धीरे आपका जो थॉट है ना वो काफ़ी चेंज होगा, काफ़ी डिवेलप होगा, आप खुद शांति नहीं बैठ पाओगे। मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट मेकिंग नोट, कुछ भी जिस नया सीख रहे हो लाइब्रेरी में बैठे हुए नोट्स बनाना स्टार्ट करो, हर एक चीज़ को लिखो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो उसको एक जगह में लिखो, समझो, आप अपने लैंग्वेज में रखो। एक नोटबुक, हमेशा एक नोटबुक और एक पेंसिल अपने साथ रखो, कहीं भी कुछ भी आपको समझ में आ रहा, कहीं भी कोई टेस्ट किया, कुछ समझा, लिख दो एक जगह में, और उसके ऊपर सोचो कि उसका फ्लेवर क्या था। इस वे में काम करते जाओगे ना तो आपका इंग्रेडिएंट्स पे नॉलेज भी बहुत बढ़ेगा, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखता है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आई होप यदि आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें लिटरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि हमें हमारा सोच चेंज करना है, सिर्फ ये नहीं कि कितना बुक्स मैंने पढ़ लिया, कितना नॉलेज मैंने गेम कर लिया। सो इन चीज़ों को समझना इस इम्पॉर्टेंट कि हम अपना नॉलेज जो भी हम रख रहे हैं क्या हमें उसको यूज़ में ला रहे हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ में ला रहे हैं, और यदि यूज़ में ला रहे हैं तो क्या वो परफेक्ट है, परफेक्शन तक पहुँच चुके हैं हम। एक बार में आपसे कुछ भी नहीं बनेगा, इट विल टेक टाइम, बट पेशेंस इज द की, नो पेशेंस नो सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन लोगों को जो लिटरली वॉन्ट टू बी समबडी एट वन डे, कि एक टॉप शेफ्स में अपने आप को मैगजीन में देखना चाहते हैं, अपने आप को कुछ करके दिखाना चाहते हैं एक शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में, वो आप कर सकते हो। यदि आपका कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स आ रहा है या इंटर कॉम्पिटिशन्स होने वाला है या कहीं पर भी कॉम्पिटिशन्स कहीं हो रहा है, अंडरस्टैंड फ्रॉम द रेसिपी बुक्स, मेक योर ओन डिश। लाइक इफ यू थिंक लाइक हाँ मैं ये इन्होंने ये राइस यूज़ किया हुआ, मैं इस राइस को यूज़ करूँगा, वहाँ पे इन्होंने जापनीज राइस किया हुआ, मैं उसके थोड़ा बहुत देख के स्टार्ची वाला मैं और कहीं से ले आऊँगा और इससे इसको बना सकता हूँ, मैं ये एक अलग डिश बनेगा, प्लेटिंग में उनका उस वे में करूँगा, थोड़ा इसमें चेंजेस करूँगा, दैट अ डिश दैट विल बी योर डिश, नोबडी कैन टेल यू दैट यू हैव कॉपीड। यू आर नॉट कॉपिंग ओनली यार, यू आर लर्निंग, लर्निंग और कॉपी करने में आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। काफी लोग बोलते हैं यार कॉपी करके बना दिया, कॉपी करके बना दिया, क्या वो कॉपी करके बनाने के लिए भी लोगों को चाहिए गट्स चाहिए कि उतना वो कॉपी कर सके? इतना इजी नहीं होता है वो सब डिशेस को आप कॉपी करके इजीली बना लोगे, दैट इज कॉल्ड लर्निंग पीरियड। वो आप धीरे धीरे उनके जैसे सोचने लगोगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मेरा कहना यह है कि जो आप धीरे धीरे वहां से कॉपी करके बनाते जाओगे उससे आपका माइंड खुलेगा, ठीक है, लाइक इट विल शार्प योर माइंड, दिस थिंग्स विल शार्प योर माइंड, आपका थिंकिंग, आपका सब चीज बदल जाएगा, तब आप इन चीजों को समझ सकोगे अच्छे से, तब आप उन वे में आप समझ, तब जाके आप उनके टाइप का सोच सकोगे कि ओके दिस इज द टेक्निक, दिस इज द थिंग दैट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज व्हाट समथिंग आई सपोज टू डू सो आई कैन गेट माय सिग्नेचर डिश। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो हर कुछ है, बट आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो आई होप कि जो वीडियो है आपके लिए वर्थ होगा, और शेयर जरूर करना सबके साथ, क्योंकि मेरा जो मेहनत मैं चाहता हूँ हर तक का मैं पहुँच पाऊँ यार, इंडिया है यार, हमारा ही है देश, राइट, हमारे पूरे यहाँ पे पहुँचे, उन लोग तरक्की करें, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ है। जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि ये मेरा खुद का मेहनत है, मेरा खुद का जो मैंने जो लाइफ में स्ट्रगल देखा हुआ है या फिर जो चीज़ों को मैंने फील किया हुआ होटल मैनेजमेंट करते हुए, मैं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ फील ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। देखो ऐसा है कि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, ये जो बता रहा हूँ, ये काफ़ी वैल्यूबल है। क्यों मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हेल्प करूँ मैं किसी का, यदि इन चीज़ों से यदि किसी का दिन बन जा रहा है या फिर किसी का लाइफ बन जा रहा है, तो यार उससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है, राइट। जितना हो सके शेयर करो, सपोर्ट करो शेयरिंग करके, और सब्सक्राइब करने भूलिएगा सबको, ठीक है। और मैं इसी वे में बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा जिससे कि आपका माइंड कॉन्सेप्ट चेंज करूंगा कि नहीं यार कलिनरी मीन्स डिफरेंट, किस वे में हमें आगे बढ़ना है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कुकिंग सम फ्यू थिंग्स एंड यू आर अ शेफ, नो, वी वॉन्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जैसे मिशलिन स्टार शेफ्स लोग सोच सोच के एक्सपीरियंस ला ला के लोग करते हैं, कुछ ही पल में हम उनके एक्सपीरियंस को फील करने लग जाएंगे। तो सोचो आप जब 50 प्लेटिंग या 100 प्लेटिंग करने के बाद जो आपका एक जो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो किसी के पास नहीं आएगा, वो होगा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, राइट। सो फोकस एंड शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना, और हाँ यदि आपको अच्छा लगे चीज तो कमेंट जरूर करना कि सर लिटरली बात तो है इन चीजों में, राइट। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टिल देन। आज का जो वीडियो था जिसमें मैंने बताया आपको कि किस वे में आप फॉलो करोगे चीज़ों को, किस वे में आप चीज़ों को ध्यान रखोगे, उसी वे में मैंने जितने भी सारे वीडियो बनाए हैं, मतलब काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन उसमें डाला हुआ मैंने, उन वीडियो का जो लिंक्स है मैं इसी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, राइट नीचे। आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा इस वे में टू मी, जैसे कि मैं आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप भी मुझे शेयर कीजिएगा आपका सपोर्ट सब्सक्राइब और शेयर के थ्रू। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टिल देन कॉन्सेप्ट विद बोनस, right? Bye-bye.